नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल ओनली टीचिंग पर। दोस्तों, बिहार में जो भी शिक्षक बहाली चल रही है, इसको लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिससे कि यह बात सामने आती है कि यह कोई आवेदन प्रक्रिया नहीं बल्कि एक धांधली प्रक्रिया है। जिस तरीके से अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और ये पैसे कहाँ गए, आखिर कितने लोगों की दुकानें इससे शुरू हो चुकी हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी है। पंचायत से लेकर जिला परिषद तक अभ्यर्थियों की कतारें लगी हुई हैं। वर्ग एक से पांच, छह से आठ, नौ से दस और ग्यारहवीं बारहवीं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। नियोजन की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, यानी अभ्यर्थियों को भरे हुए आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी भी लगानी है। इस प्रक्रिया में छात्र तो परेशान है ही, कागज भी बहुत अधिक खपत हो रहा है, साथ ही आवेदनों को सुरक्षित रखना भी एक मुश्किल का काम है। जी हाँ, विभाग किस प्रकार से इसको सुरक्षित रखेगा, ये भी उनके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इससे देखिएगा, कई अभ्यर्थियों के जो फॉर्म होंगे वो इधर से उधर गुम कर दिए जाएंगे। दरअसल शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया नियोजन समिति करती है, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर और नगर निगम की जो इकाइयाँ हैं और जो नियोजन समिति है, इनमें एक रूपता नहीं है, जिसके कारण अलग अलग सीटें हैं और उनके लिए अलग अलग फॉर्म लिए जा रहे हैं। जो एक छात्र है वो सभी जगह पर आवेदन करते हैं और इस प्रकार से क्या होता है उसको कि एक जगह आवेदन देने के लिए उसको कई सारे फॉर्म भरने पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ग से छह, जो मतलब छठी से आठवीं मान लीजिए वर्ग के लिए अगर कोई आवेदन कर रहा है सामाजिक विज्ञान में, तो वो कई प्रखंडों में आवेदन करेगा। तो अभी तक कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि लगभग अभी तक जो आवेदनों की संख्या है वो 1600 को पार कर चुकी है और जो भाषा और विज्ञान में जो आवेदनों की संख्या वो 400 से 600 को पार कर रही है। प्रत्येक आवेदन के साथ 12 पेज का अनुलग्न लगता है, जिसमें मैट्रिक से लेकर बीएड और टीईटी आवासीय जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति होती है। पांचों विषयों को जोड़ दे तो मध्य विद्यालय के लिए प्रत्येक प्रखंड में औसतन 4000 आवेदन मिल रहे हैं। अनुलग्नों के साथ जोड़े तो एक प्रखंड में कागजों की संख्या 48000 के पार पहुंच जाती है। बिहार के 534 प्रखंडों और 130 नगर निकायों में प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर सीट नहीं भी है और सब आवेदन फिर भी लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने आवेदन लिए जा रहे हैं, लगभग करोड़ों में जो इसमें खर्चा आ रहा है अभ्यर्थियों का, और ये जो पैसा है ये कहाँ जा रहा है। सीधी सी बात है कि ये जो अभ्यर्थी जो है वो फोटोकॉपी में इतने पैसे खर्च कर देते हैं। और ऐसी खबरें भी आई हैं कि कई अभ्यर्थी तो ये भी कह रहे हैं कि सर, हमने तो फोटोकॉपी की मशीन भी खरीद ली है क्योंकि हमें फोटोकॉपी इतनी करनी पड़ रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अजीब सी बात है कि आज के टाइम पर भी इस प्रकार से आवेदन लिया जाता है। अगर हम अभ्यर्थियों की सुने तो कई तरह के उनके कमेंट्स आते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि विभिन्न जिलों में फॉर्म जमा करने के लिए, मतलब उनको क्या होता है कि वहाँ पे सीटें तो कम होती है और जैसा कि आपको पता है 2019 में बहाली हो रही है और सीट 2014 तक की हैं, तो इसलिए उन्हें यही नहीं पता चल पाता है कि उनकी बहाली उनके जिले में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं कि हर जिले में आवेदन कर देते हैं। जैसे कि सीतामढ़ी के अभ्यर्थी विवेकानंद ने बताया कि 200 से अधिक आवेदन वो तैयार कर चुके हैं, इसके लिए प्रमाण पत्रों की 2400 फोटोकॉपी करानी पड़ी है, बताइए। और उनके जैसे हजारों छात्र हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। औसतन 15000 रुपये खर्च हो रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों में आवेदन कर रहे हैं। फुहर की अनुपम ने बताया कि लगभग उनका मतलब 15000 रुपये से अधिक फोटोकॉपी में खर्च हो गया है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, छात्रों की दिनचर्या भी आजकल बदल गई है। जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सुबह उठते हैं और उठते ही कुछ लोग तो नाश्ता भी नहीं करते और घर से निकल जाते अपना बैग लेकर, उसमें वो एक ही बार में 10 से 12 आवेदन जितनी भी जगह वो आज करने जाते हैं सब रखते हैं और निकलते हैं और नियोजन इकाइयों में जाते हैं। वहाँ पर लंबी कतारों में लगने के बाद वो आवेदन करते हैं। कई अभ्यर्थी तो ये भी कहते हैं कि हमें तो खाना खाने का समय तक नहीं मिल पाता है। तो ये स्थिति है अभ्यर्थियों की और इस प्रकार वो आवेदन कर रहे हैं। शाम को फिर वो वापस लौटते हैं और फिर से वो अगले दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। आजकल ये दिनचर्या हो चुकी है बिहार में जो अभ्यर्थी हैं उन